हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल सुनील सिलाई मशीन जमशेदपुर में। यदि आपको भी होती है सिलाई मशीन की सुई में धागा पहनाने में परेशानी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कम से कम वक्त पे सिलाई मशीन में सुई में धागा कैसे पहनाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि कुछ एज हो जाने के बाद उनको नज़दीक का देखने में बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो मशीन का सिलाई मशीन का यूज़ या किसी भी नीडल में धागा पहनाने में बहुत सारी परेशानी आती है उनको। तो एक नॉर्मल सी थ्रेडर का यूज़ करके हम नीडल में थ्रेड डालने का एक आसान सा ट्रिक बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन में थ्रेड हमने ऑलरेडी लगा लिया है। नीडल में थ्रेड कैसे पहनाते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप देखिए, ये हमारा एक नीडल थ्रेडर है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसान तरीके से सुई में धागा पहनाएंगे। सुई में धागा पहनाने के लिए ये देखिए, मशीन में जो नीडल का होल होता है, सामने से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने से देखिए नीडल का जो होल है, इसमें ये जो इसका नीडल का थ्रेडर का ये वायर होता है, इसको पहनाना होता है इस तरीके से। बहुत ही ईजी तरीके से देखिए इसके अंदर चला जाता है। अब जो ये थ्रेड है, ये जो हमारे मशीन में लगा हुआ थ्रेड है, थ्रेड का जो आगे का सिरा है, इसको हमें डायरेक्टली सुई में नहीं लगाना है, नीडल में नहीं लगाना है। ये जो थ्रेडर का आप देख सकते हैं, वायर के बीचों बीच इस तरीके से अंदर रख लेना है, इस तरीके से अंदर रख लेना है। देखिए ये अंदर रखा गया है, और उसके बाद इसको वापस अंदर की ओर ऐसे खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से ये हमारा नीडल में थ्रेड इस तरीके से लग गया है। तो आप भी ऐसे नीडल थ्रेडर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से आप नीडल में धागा पहना सकते हैं। ये थ्रेडर आपको किसी भी शॉप में, जैसे धागे बटन की शॉप पे या मशीन की शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। सिलाई मशीन से जुड़ी और भी किसी जानकारी के लिए आप अगर वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमें कॉमेंट करें, ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करके कुछ आपको और भी जानकारी शेयर कर सकूं। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।